रेड चटनी, ग्रीन चटनी, सूखा चटनी, वड़ा एंड रिपीट। ऐसे ही यहाँ पे गर्मा गर्म वड़े आते जाते हैं और वड़ा पाव बिकते जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी मैं हूँ हिंजेउड़ी में शिवाजी चौक पे और हम यहाँ सिद्धेश्वर वड़ा पाँव खाने के लिए आए। ऐसे तो मैंने ये वड़ा पाँव पहली बार कुछ महीने पहले ही ट्राई किया है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ का फ्रिक्वेंट कस्टमर बन गया हूँ। लोकेशन की बात करें तो ये रोड जाता है भूखड़ को, ये सामने वन वे रोड है हिंजेउड़ी आईटी पार्क को जाता है और ये दूसरा रोड वहाँ से रिटर्न आता है और ये बिल्डिंग है हिंजेउड़ी ग्राम पंचायत। इस शॉप की सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी इनका सेल्फ डिक्लेरेशन बोर्ड, जिसमें इन्होंने लिखा है ये लोग सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं और कस्टमर की कोई कंप्लेंट ना आए उसका ध्यान रखते हैं। वड़ा पाँव तो यहाँ का एक नंबर है ही, लेकिन इसके साथ भी यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि तरह तरह के पराठे, पूरी भाजी, मिसल पाव, पाव भाजी, पोहे, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, कर्ड राइस, वेजिटेबल राइस, दाल खिचड़ी। वड़ा पाव में इनके पास चार वैरायटी है, नॉर्मल वड़ा पाव, बटर वड़ा पाव, वीआईपी वड़ा पाव एंड चीज़ वड़ा पाव। या एक वड़ा पाव और एक चाय। अगर आप घर पे वड़ा पाव बनाना चाहते हो तो उसकी रेसिपी भी हमारी चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अपनी चाय एंड वड़ा पाव रेडी है। गर्मा गर्म चाय और वड़ा पाव का कॉम्बिनेशन तो अजोड़ है। कहने को ये नॉर्मल वड़ा पाव है, लेकिन इसकी साइज जंबो है। वड़ा साइज में बड़ा है और पाव एकदम फ्रेश है। वाह, देखो पाव कितना सॉफ्ट है। टेस्टी वड़ा पाव के साथ चटनी का आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी वड़ा पाव की दूसरी वैरायटी ट्राई करते हैं। भैया एक लोणी वड़ा पाव लगाना। मराठी में बटर को लोणी बोलते हैं और लोणी वड़ा पाव में ये नॉर्मल वड़ा पाव को ये ग्रिल करके देते हैं। गर्मा गर्म लोणी वड़ा पाव आ गया है। इसे बटर के साथ ग्रिल किया गया है और रेड एंड ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। इस वड़ा पाव में अंदर चॉप प्याज डाला है जो बहुत अच्छा बाइट दे रहा है। वीआईपी वड़ा पाव का ऑर्डर हमने दे दिया है। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। इसी तरह हम हर हफ्ते नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारी अगली वीडियोस को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीआईपी वड़ा पाव को भी ग्रिल किया गया है और इसे मायोनीज और केचप के साथ सर्व किया गया है। इसमें रेड और ग्रीन चटनी की जगह पे दो तरह के मायोनीज का यूज़ किया गया है। साथ में वड़ा पाव में ककड़ी और ऑनियन की रिंग भी रखी हुई है। वीआईपी वड़ा पाव मायोनीज लवर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा। मायोनीज की वजह से इस वड़ा पाव का टेस्ट थोड़ा माइल्ड हो जाता है। मुझे यहाँ का नॉर्मल वड़ा पाव और लोणी वड़ा पाव बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप चीज़ लवर हो तो आप यहाँ पे चीज़ वड़ा पाव भी ट्राई कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।